हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चलान कर रखा था और इन्हीं सब कागजों के पूरे ना होने की वजह से, लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। करीना के उन्हानी गांव के पास बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। 11 अप्रैल को पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, लेकिन ऐसे में भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल प्रशासन ने छुट्टी कैंसिल कर दी और स्कूल जारी रखने का फैसला किया। वहीं जिस बस से ये पूरा हादसा हुआ उसका ड्राइवर भी नशे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल बस पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका था। स्कूल बस के कई कागज पूरे नहीं थे। हादसे पर हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री ने कैसा बड़ा खुलासा किया, जरा इनका वीडियो देखिए। कनीना में आज एक दुखदायी घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहां लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाएंगे और जो हमारे MVA स्तर के एक अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज़ पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चलान कर रखा था और इन्हीं सब कागजों के पूरे ना होने की वजह से, लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। और मैंने अभी उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों की, हरियाणा के सभी स्कूलों के जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस की जाँच कराएँ और सभी जो हमारे DTOs हैं एक सर्कुलर टाइप जारी करेंगे DOs को और स्कूलों की सारे हरियाणा के जितने भी स्कूल के व्हीकल्स हैं उनकी जांच हो। बहरहाल मामले में ताज़ा जानकारी है कि हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति राव को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रिंसिपल दीप्ति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे में धुत बस ड्राइवर को खेड़ी गांव में ग्रामीणों ने रोका। वहीं हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा वो क्या कुछ बोली, जरा इन्हें भी सुनिए। कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। आज तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से एब्जॉर्ब कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी। मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये FIR उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी।